हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 ATM, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों 411। नीचे आपके पास बैलेंस शीट है। एम का डेथ हो गया है बच्चों 1717 को, यानी आफ्टर बैलेंस शीट 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद 6 एडजस्टमेंट है बच्चों। लास्ट पॉइंट में सेम सम नंबर 18 की तरह एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो पूरा क्वेश्चन बच्चों आपको नोट डाउन कर सकते हो या इसका फोटो स्क्रीन इमेज ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों में सम नंबर 19, उसका एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड लोन अकाउंट पूरा व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टॉपिक पे बच्चों हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जिसमें लास्ट 2-3 लेक्चर से हमने डेथ ऑफ पार्टनर वाली मेथड स्टार्ट की है, जिसमें बच्चों जब पार्टनर का डेथ हो जाता है तो स्पेशल पार्टनर जिसकी डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट या उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें बच्चों जो भी पार्टनर कहते हैं उसके पैसे उसके फैमिली मेंबर्स को दिए जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक। होमवर्क में अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो इलस्ट्रेशन 25, उसमें एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों जिसकी डेथ हो चुकी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो सामने रखिए, ना हुई तो बच्चों इसका PDF इमेज मैंने आगे लेक्चर में रखा हुआ है। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ATM आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 411। तो यहाँ बच्चों तीन पार्टनर मैं डिटेल साइड में लिखते जाता हूँ। सबसे पहले एक नंबर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 411। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट है, जिसमें कैपिटल है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लैंड बिल्डिंग असेट्स है। नीचे 1-5 एडजस्टमेंट है बच्चों। 6 नंबर का पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। 1850 इज टू बी पेड एम एग्जीक्यूटर इन कैश, बैलेंस अमाउंट टू इक्वल इंस्टॉलमेंट विद 12%। सेम बच्चों लास्ट में कॉपी किया वैसा ही है। प्रिपेयर एम एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड लोन अकाउंट टिल फाइनल पेमेंट। और एम डाइड हुआ है बच्चों 1717 को। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम डाइड ऑन 1717। तो बच्चों खास यही ध्यान रखना है, 31 मार्च 2017 को ईयर पूरा हुआ, यानी 1-4-17 से 1-7-17, यानी 4-5-6, यस 3 मंथ का बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट बच्चों आपको देना होगा। ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे जाएं, रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट 1-6 है बच्चों। सबसे पहले हम जो सिस्टम मेन लॉन्ग क्वेश्चन में लेते थे वही करनी है, हमें खाली पार्टनर से रिलेटेड एंट्री करनी है। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर कैपिटल एम का बैलेंस है बच्चों मेरे ख्याल से 9000 मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, यस एकदम सही है। अब यहाँ बच्चों थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं छोटा प्यारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ बच्चों रफ में। ये रफ वर्क है बच्चों, क्योंकि यहाँ जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमें उसको कुछ प्रॉफिट जो 6 महीने में जनरेट हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन में से जनरेट हुआ है, उसका हमें वर्किंग करना होगा, ठीक है। तो छोटा प्यारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो बच्चों स्टार्ट करें। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहले एडजस्टमेंट लेने थे, पहले ट्रायल बैलेंस शीट तो भी चले बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले तो एग्जाम में आते ही नहीं है, पर ध्यान कॉमर्स हमेशा बच्चों का ही ध्यान में लेता है, तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। अब ये बच्चों बैलेंस शीट पे इफेक्ट करता है और इससे प्रॉफिट बढ़ता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पहले इफेक्ट देंगे हम बाय लैंड अकाउंट। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, लैंड की वैल्यू 12,000 है, 10% यानी 1200 रुपये इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। सेकेंड फर्नीचर की वैल्यू भी 10% इंक्रीज हुआ है, बैलेंस शीट में फर्नीचर है बच्चों 6,000, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट 6,000 का 10%, आई थिंक 600 रुपये बेनिफिट हुआ। एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हुआ बच्चों। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज 5500 विच इज टू बी ब्रॉट इन द बुक्स। 5500 रुपये का स्टॉक है बच्चों, वो बुक्स में लाना है। बैलेंस शीट में आप देख रहे हो बच्चों स्टॉक की वैल्यू 6000 है, अब सही में उसकी प्राइस है 5500 रुपये, तो आप देख सकते हो बच्चों स्टॉक की वैल्यू 500 रिड्यूस हो रही है, नई प्राइस 5500 हो गई। रिडक्शन में डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 6000 के सामने 5500, यानी 500 रुपये रिड्यूस्ड। आगे जाते बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3,
रुपीज 400 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट। तो डेटर में से बच्चों बैड डेप्ट की वैल्यू रिड्यूस की जाती है, पर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी नहीं है बच्चों, कारण सडन डेथ हुई है, बैलेंस शीट साल के अंत में बनती है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं बच्चों, जो डेथ हुई वहां तक के ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट पे इफेक्ट हो रही है वो काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों 400 रुपये रिटर्न ऑफ करोगे वो बिजनेस के लिए लॉस है, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेप्ट अकाउंट 400, एडजस्टमेंट 4, उसके बाद है बच्चों गुडविल फर्म की 7200, तीन नंबर में बच्चों टोटल न्यू गुडविल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 7200, उसमें एम्स गुडविल हमें फाइंड करनी है बच्चों, तो एम की गुडविल के लिए 7200, उसका पार्ट होगा बच्चों पार्टनर के नाम या लिख दो बच्चों एटीएम, एटीएम मशीन के नाम के ऊपर से सम बनाया, टी बीच में है बच्चों, सॉरी एम पार्टनर डेथ हो गई है तो एम लास्ट में है, तो उसका पार्ट होगा आई थिंक 1/6, जैसे लोगे बच्चों तो एम्स की गुडविल आएगी आई थिंक 1200 रुपये। मैं कैलकुलेटर से बच्चों चेक कर लेता हूँ, कई बार मेरी भी गलती हो सकी। यस बच्चों एकदम सही है, 1200 रुपये गुडविल आ गई है। अब यहाँ बच्चों नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, तो हमें गुडविल की एंट्री करनी हो तो गेनिंग रेशियो के लिए बच्चों ये एम का पार्ट कट हो जाएगा, तो यहाँ गेन का रेशियो हो जाएगा बच्चों 4:1। तो हमें एंट्री करनी है एज अकाउंट डेबिटेड, मैं पूरा कैपिटल में लिख रहा हूँ बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम्स अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट डेबिटेड टीज अकाउंट डेबिटेड टू एम्स अकाउंट जिसकी डेथ हो गई है बच्चों, टोटल गुडविल 1200, 4:1 रेशियो लोगे बच्चों तो 1200 को जैसे बांटोगे 4:1 में तो आएगा 960:240 में। फिर से बता रहा हूँ बच्चों डेथ वाले समय आप ये कैलकुलेशन ना करो, क्योंकि आपको टोटल गुडविल यहाँ जमा करें तो डायरेक्ट गुडविल लिख दो तो भी चलेगा, आपको ए और टी का अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं करना है। फिर भी बच्चों मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, वी के टी एम के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय एज कैपिटल अकाउंट अने बाय टीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बच्चों समझने के लिए न्यू गुडविल, यस न्यू गुडविल वैल्यू 960 और उसके बाद 240। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से 5 नंबर का पॉइंट खतरनाक पॉइंट है बच्चों, जोरदार पॉइंट है, वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, मैं राइट साइड से थोड़ा बोर्ड रब कर रहा हूं। अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5 आई थिंक वो प्रॉफिट के लिए है, न्यू प्रॉफिट, ठीक है। अब बच्चों ये पूरा पॉइंट मैं आपको कैसे समझा रहा हूं ध्यान से देखना, एम इज टू गिवन शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड नॉट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो एम नाम के पार्टनर को बच्चों डेट के समय वहां तक का प्रॉफिट देना है, लास्ट ईयर के सेल्स और प्रॉफिट के आधार पर, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर 8 लाख, सेल्स ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ करंट ईयर इज 4 लाख, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इज 240। अब बच्चों इसका आपको सही में फॉर्मूला लेना हो तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा बच्चों, न्यू प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल्स टिल डेथ ऑफ पार्टनर। इस प्रकार से बच्चों स्पेशल फॉर्मूला जनरेट करके आपको वैल्यू ढूंढनी है, तो आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिख रहा है बच्चों, नेट प्रॉफिट 2,40,000, लास्ट ईयर का सेल दिख रहा है मुझे एडजस्टमेंट में आई थिंक 8 लाख, सेल फॉर फर्स्ट 3 मंथ इज 4 लाख, पहले 3 महीने का सेल मुझे दिख रहा है 4 लाख। जैसे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टोटल न्यू प्रॉफिट आ जाएगा, मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी आई थिंक प्रॉफिट की वैल्यू 1,20,000 आएगा न्यू प्रॉफिट, टोटल 1,20,000 रुपीज़ आएगा बच्चों। फिर भी मैं ज़ीरो निकाल देता हूँ, ये गया, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, डायरेक्टली मैंने वर्क किया है 240 इंटू 400 अपॉन
8 lakhs, आई थिंक एकदम सही है बच्चों, 1,20,000 इज द करेक्ट प्रॉफिट। और ये बच्चों मैंने जीरो निकाले और गलत निकाले, यहाँ से तीन जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट 120 आ रहा है बच्चों, जिसमें शेयर ऑफ एम 1/6, ओल्ड रेशियो बच्चों फिर से लिख दो ऊपर 411, इसमें ये पार्ट लेना है बच्चों 1/6। जैसे बच्चों 1,20,000 इसका 1/6 लोगे, आई थिंक 20,000 रुपीज़ आएगा न्यू प्रॉफिट ऑफ एम। तो जिसकी डेथ हुई बच्चों उसे मेरे ख्याल से हमें 20,000 रुपये प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसमें लिखेंगे बच्चों न्यू प्रॉफिट आई थिंक 20,000। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बच्चों यूज़ ना करना हो तो दूसरा पद भी रख सकते हो, जो मैं आपको नोटिंग करके दिखा रहा हूँ। एडजस्टमेंट 5 के लिए ऑप्शनल है बच्चों, मेरे ख्याल से फॉर्मूला से बेटर रहेगा। कैसे बच्चों, तो लास्ट ईयर का सेल्स बच्चों आपके पास 8 लैक्स था, तब आपके पास नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था 240, तो करंट ईयर का सेल्स आपके पास है 4 लैक, उस पर हाउ मच, सेम वर्किंग हुआ बच्चों देखो, 8 लैक पे 240, 4 लैक पे हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो सेम आंसर आएगा मेरे ख्याल से ₹1,20,000, और फिर उसका 1/6 लोगे बच्चों, तो ये दोनों ऑप्शन बच्चों आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब बच्चों लेने जा रहा हूँ मैं लास्ट एडजस्टमेंट, 1850 टू बी पेड टू एम्स एग्जीक्यूटर इन कैश। अब बच्चों एम के एग्जीक्यूटर को 1850 कैश देना है, दे दो बच्चों, एम एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको बच्चों कैश लास्ट में एडजस्ट करो तो भी चलेगा, पर दिया है बच्चों तो इसको मैंने ले लिया। आगे जाते हैं, अब उसको बाकी बचा हुआ बैलेंस लोन में पेमेंट करना है बच्चों, 2 इंस्टॉलमेंट में, वो लास्ट में लेंगे। अब मैं ले लेता हूँ बैलेंस शीट, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड कैपिटल हमने लिख दी है, जनरल रिजर्व वो तीनों पार्टनर के बीच बांटा जाता है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, हमें मात्र एम का पार्ट लेना है। टोटल जीआरआरपी जो बच्चों 3,000, एम का पार्ट है 1/6, तो आई थिंक 500 आएगा, मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस सही है बच्चों। नेक्स्ट क्रेडिटर और बिल्स पेबल लायबिलिटी है, वो बच्चों बैलेंस शीट में असर करेगा, बैलेंस शीट में असेट्स है लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार डेटर स्टॉक, ये बच्चों कोई ऐसा नहीं है। लोन टू एम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो लोन का बैलेंस असेट साइड है, तो असेट साइड का लोन हो बच्चों तो याद रखो ये लोन हमने पार्टनर को दिया होगा, तो ये असेट साइड है, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस, तो उसे लाना है डेबिट साइड टू लोन ऑफ एम अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों लोन टू एम अकाउंट, अब बच्चों यहाँ ये लिखते समय ध्यान रखना है, जब आप लोन लेते हो पार्टनर से तो कंपलसरी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ना हो तो 6% ब्याज देना पड़ता है, जो आगे हमने समय देखा, पर यहाँ लोन दिया है बच्चों तो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ना हो तो ब्याज नहीं लिया जाता है, क्लियर बच्चों। तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड लाओगे, अगर लायबिलिटी साइड होता तो क्रेडिट बैलेंस हम पार्टनर कैपिटल में जमा करते हैं, ठीक है। आगे जाए बच्चों, बस आगे मेरे ख्याल से कैश बैलेंस है, वो बैलेंस कैश बैलेंस में जाएगा, सारे ट्रांजेक्शन पूरे हो बच्चों। सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल देता हूँ, यस। तो बच्चों जब पार्टनर की डेट होती वहाँ तक का टोटल है 1800 रुपये लिखोगे बच्चों और डिफरेंस निकालोगे तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट आएगा 1800 में से 900 गए 900 रुपये, ठीक है। अब बच्चों डायरेक्ट आप इसका पार्ट लिख दोगे यहाँ तो भी चलेगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 900 इंटू 1/6 करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 150, या फिर बच्चों जैसे फुल सम में करते हो, तीन पार्टनर हैं यहाँ ए टी एम तीनों का रेशियो है बच्चों 411, जैसे बांटोगे बच्चों कैलकुलेटर से मैं आपके सामने कर रहा हूँ 600, 600, 150 और 150, हमें तो बच्चों यही पार्ट लेना है, ये मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों इसे क्लोज करते हैं, इसका मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, सारे पॉइंट ले लिए मैंने 9,000, 960, 240, 20,000, 500 और 150, 30,850 टोटल हो रहा है बच्चों, एकदम सही है,
30,850। अब बच्चों जो बैलेंस आएगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। और बैलेंस आएगा बच्चों 20,000। जो बच्चों एम एग्जीक्यूटर टू एम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा 20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आगे जो भी सम नंबर 18 किया उसकी कंपैरिजन में आप ऐसा कह सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल का एडजस्टमेंट आया बच्चों वो जोरदार था। सॉरी गुडविल नहीं, न्यू प्रॉफिट बच्चों, न्यू प्रॉफिट का एडजस्टमेंट आया जिसमें आपने सेल का बेसिस लेके नया प्रॉफिट फाइंड किया। ओवरऑल बच्चों ऐसे क्वेश्चन कम आता है, कारण इसकी वैल्यू 8 मार्क्स है, तो इतना छोटा सा बच्चों वो पूछते नहीं है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, ये मैं रफ करके अब आपके सामने लोन और उसका पेमेंट का कैलकुलेशन करने जा रहा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने बच्चों एम एग्जीक्यूटर अकाउंट पूरा जो ड्रॉ किया था वर्किंग नोट रफ कर दिया। अब आपके सामने एम एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, सबसे पहले बच्चों डेट पर्टिकुलर रुपीज जो भी एग्जीक्यूटर अकाउंट में वहाँ से लोन का बैलेंस लाया 1717 एम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 20,000। अब बच्चों ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, छठा पॉइंट लास्ट पॉइंट फिर से पढ़ लेता हूँ। 1850 इज पेड टू एम एग्जीक्यूटर, वो हो गया बच्चों। बैलेंस अमाउंट इन टू एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 12%, जो लोन है बच्चों उसके दो इंस्टॉलमेंट करना है विद इंटरेस्ट। तो अब बच्चों देख लो लोन 20,000 की है, पहला इंस्टॉलमेंट जब आप पेमेंट करोगे बच्चों तो उसमें सबसे पहले आएगा इंस्टॉलमेंट, फिर आएगा बच्चों इंटरेस्ट, सेम वर्किंग कर रहे हैं, और यहाँ आएगा बच्चों टोटल कैश, ठीक है। फिर आप लोगे बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लिखोगे बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसके बाद बच्चों आएगा इंटरेस्ट, और फिर यहाँ आएगा बच्चों टोटल कैश, ठीक है। अब यहाँ बच्चों पहला हफ्ता कब पेमेंट करना है आपको, 1/7/17 को लिया तो नेक्स्ट ईयर आएगा 1/7/18 एनुअल इंटरेस्ट, यहाँ आएगा बच्चों 1/7/19, ठीक है बच्चों यहाँ तक हमें जाना है। यस, यहाँ तक का हमें पेमेंट करना है बच्चों। तो सबसे पहले 20,000 के दो टुकड़े कर दो, ये पहला इंस्टॉलमेंट 10,000, दूसरा 10,000, क्लियर बच्चों। अब हमें 12% इंटरेस्ट पेमेंट करना है बच्चों, हमेशा पहले हफ्ते में बैलेंस के ऊपर किया जाता है। 20,000 जो टोटल बैलेंस है उसके ऊपर 12% टोटल इंटरेस्ट होगा 2,400। यहाँ बच्चों फिर से ध्यान रखो 20,000 में 12% लेना है, यहाँ बचा हुआ 10,000 बैलेंस है उसके ऊपर आपको 12% लेना है, वैल्यू आएगी 1,200, ठीक है। टोटल करोगे बच्चों 12,400, यहाँ टोटल करोगे आई थिंक 11,200, ठीक है। तो ये दोनों हफ्ते पेमेंट करने सही है बच्चों। अब यहाँ आपको इंटरेस्ट में ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब फाइनेंशियल ईयर थ्रू कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो ये जो इंटरेस्ट है उसके दो टुकड़े कर देते हैं। सबसे पहले डेथ हुई वहाँ तक के महीने लेने, अब आपको पता है डेथ कब हुई, तो उनका ईयर पूरा हो रहा है 1/4/17 से उनकी डेथ हुई, आई थिंक बच्चों डेथ की डेट थी 1/7/17, तो आप समझ सकते हो बच्चों कितने महीने का पीरियड है, 3 मंथ। तो आपको ब्याज के टोटल 12 महीने उसमें से 3 महीने का और 6 महीने का अलग कर देना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों 3 मंथ एंड आई थिंक 9 मंथ, इसमें भी बच्चों सेम 3 मंथ और 9 मंथ, ऐसे दो टुकड़े बच्चों अलग करके आपको रख देने। काउंटिंग करो बच्चों 2400 × 3/12 सेम आएगा बच्चों आई थिंक 600 रुपये। यस सही है बच्चों, यहाँ आएगा ₹600, यहाँ आएगा ₹1800, सेम यहाँ करेंगे बच्चों 1200 × 3/12, नीचे आएगा बच्चों 300 रुपये और यहाँ 900 रुपये, क्लियर बच्चों। जो भी डेथ का पीरियड है उसका इंटरेस्ट और दोनों अलग कर देना। अब बच्चों में वर्किंग स्टार्ट करो, ध्यान से देखना। अब आपको इंस्टॉलमेंट पेड करना है 1/7/18 को, पर आपने वो ईयर स्टार्ट किया 1/7/17, डेथ हुई वहाँ का बैलेंस लाए। अब आपको पता है पहले बच्चों 1/7/18 आएगा फाइनेंशियल पूरा होगा, यस 1/7/17 को स्टार्ट किया उसका फाइनेंशियल पूरा होगा 31 मार्च 2018। अब 1/7/31 मार्च 2018 काउंटिंग करो बच्चों 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों। अभी आपने हफ्ता पेमेंट नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ये 9 महीने का इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे बच्चों 1800 रुपये बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसे क्लोज करोगे 2100। अब बच्चों यहाँ भी इसे क्लोज करोगे तो बैलेंस सेम आएगा बच्चों 2100,
ये 21,800 आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। कारण अभी आपकी एक साथ 18 डेट आई नहीं है बच्चों, इसको नेक्स्ट ईयर ओपन करके ले जाओ। 1,418 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये जो बैलेंस है उसमें आपको 1,718 को कैश पेमेंट करना है, पर उससे पहले आपको बताया बच्चों 1,718 का इंटरेस्ट ये 3 महीने का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ मैं डेट लिख रहा हूँ बच्चों, 1,7 की जगह पे आगे वाली डेट लिखनी है 30/6/18, एक दिन का ब्याज नहीं गिनते, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, 1,4 से 30 अकाउंट करो, 4, 5, 6, 3 महीने का ब्याज आएगा बच्चों 600 रुपये। और जैसे ब्याज पेमेंट किया बच्चों आप हफ्ता पेमेंट कर लूँ, 1,718 लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा बच्चों 12,400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ईयर मेरा पूरा हो रहा है, आपको बताएं 1,7 के बाद याद पर पूरा का बताएं 31 मार्च 19 को, तो यहाँ डेट लिखेंगे 31 मार्च 19। अब यहाँ मुझे फिर से बच्चों इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, 30/6 से 31 मार्च गिनो बच्चों, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का ब्याज लेना है बच्चों 900 रुपये। ये 9 महीने का ब्याज मैंने ले लिया बच्चों, आई थिंक 900। अब इसका बच्चों आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा 23,300। इससे क्लोज करोगे बच्चों और डिफरेंस लोगे बच्चों, तो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 19, ठीक है। और यहाँ बच्चों जैसे माइनस करोगे मेरे ख्याल से आएगा 10,900। फिर भी बच्चों आप चेक कर लेना, इससे मुझे राउंड करने की आदत है। यस, अब सेम बैलेंस बच्चों नेक्स्ट ईयर ओपन करेंगे, 1,419 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,900। उसके बाद बच्चों मुझे बताएं नेक्स्ट डेट कौन सी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट है 1,719। उससे पहले बच्चों मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, 30/6/19 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 6 महीने का ब्याज या गिना हुआ बच्चों 300 आप पेमेंट कर दोगे, टोटल हो जाएगा मेरे ख्याल से 11,200। अब बच्चों 1,719 मैं टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूँ टू कैश अकाउंट 11,200। और जैसे बच्चों ने पेमेंट किया, अब अगर आप टोटल मैच करोगे तो 11,200 एग्जैक्टली आपका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हो गया बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों ध्यान कॉमर्स ने जो 16, 17, 18, 19 जो 5 क्वेश्चन है बच्चों आज तक गुजरात बोर्ड में नहीं आए, फिर भी बच्चों एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंट बहुत ईजी है, हर एक वस्तु बच्चों एग्जाम में नहीं आती है। आगे आप लाइफ में स्टडी करोगे, CA CS ICW करोगे बच्चों, तो ये पोर्शन आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली मैंने रिकॉर्ड किया बच्चों आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम के अंदर इसके आने के चांसेस बच्चों कम है, ठीक है। यहाँ तक करते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।